फैक्ट नंबर वन, भूत आत्माएं ये सारे दीवार के आर पार देख सकते हैं। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि खास हमारे पास वैसे कोई टेक्नोलॉजी होती, तो मैं आज आपको एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप बोलोगे कि आपको पता है इसराइल कंट्री ने कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिससे कि वो दीवार के आर पार देख सकते हैं। डेफिनेटली मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस लेवल का तो नहीं है, लेकिन आप इमेज मैपिंग की मदद से उस मशीन को दीवार पे लगाते ही रूम के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने एनिमल्स हैं, या फिर कितने लोग कौन से ओरिएंटेशन में हैं, बैठे हैं कि सोए हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। टेररिस्ट की तो खैर नहीं, एंड अगर ना ये वीडियो टेररिस्ट लोग देख रहे होंगे तो वो पक्का बोल रहे होंगे। सो फैक्ट नंबर टू, आपने दी रोबोट मूवी को तो देखा होगा, एंड इस हद तक का इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट को आज तक नहीं बनाया गया है। हर साल कई कंपनी ये बात को दावा करती है कि हम ऐसा एक रोबोट लाने वाले हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। मैं आपको भी एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप बोलोगे। रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपने क्वेटर के इंटरव्यू में इस बात को बताया कि वो अपने स्पेसएक्स के फोरम में एक रोबोट पे काम कर रहे हैं, एंड सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि सितंबर 13 को होने वाले स्पेसएक्स एनुअल इवेंट में उसको दिखाएंगे भी ऐसा बोला है। तो क्या हमें अभी डरने की जरूरत है क्योंकि रोबोट क्या पता दुनिया को खत्म कर दे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रोबोट को इलॉन मस्क बना रहे हैं वो इतना वीक होगा ना कि एक एवरेज आदमी भी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। देखते रहना क्या होता है। सो सैड। वीडियो को लाइक करके ही जाना।